आप और आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, अपन पीछे आते और आ जाइए आगे, और आगे राजा भाई, थोड़ा पीछे राजा भाई, कैसे हो मैम? थोड़ा मैम क्या कुछ होने वाला है आज स्पेशल? आज जा रहे हैं दादा के साथ, मिथुन दा के साथ, स्वस्थ है जो कल रिलीज हो रहा है, पुनर्वास, उसकी प्रमोशन के लिए हम आए यहाँ पे। मिथुन दादा भी है, बड़ी एक्साइटेड हूँ मिथुन दा से मिलने के लिए, मुझे अच्छे लगते हैं और मैं उनके साथ बहुत मस्ती करती हूँ। आपने कल मेरा उनके साथ देखा ही होगा, मैंने एक रील डाला है वाला। और कोई सवाल या जाए? नहीं नहीं रुकिए ना, रूम निकाल रहा था, अगले हफ्ते होने वाला उस धमाके का। भारती जी, सलमान जी होस्ट कर रहे हैं, कैसा लगता है शो उनका? अरे पीछे लगे हैं, वैसे भी सलमान भाई ऐसे फैमिली जैसे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, हर हफ्ते मिलना हो जाता है उनसे। भारती जी आए, भारती जी एक बार, एक बार पीछे देखो, बाय भारती जी, चलो एक मिनट, मैं ऑक्स निकालता हूं, एक मिनट भारती जी, वेट 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 बेटे विशाल, सब लोग मास्क पहन लो, हां पहन ले, सब लोग मास्क, हां दादा एक मिनट, पहले हाथ, एक मिनट सर, मास्क पहन लो, सेमासी नहीं ऑक्स लगा रहा हूं सर, आप भी मास्क पहन लो, आप भी चल जाइए, आप भी एक मिनट, चलो चलो मास्क पहन, हां जी बोले, ये बूम नीचे रह, नीचे ले, हां हां बहुत प्रॉब्लम, ओके मैम, गुड टू सी यू बैक, क्या कुछ आज होने वाला है, क्या कुछ अंदर जाके क्या कुछ परफॉर्मेंस होने वाला है? परफॉर्मेंस तो आज मैं हर शो मिथुन दा है एक साथ, आज हम अपने नए शो दरबास के लिए आए हैं, कल रिलीज हो रहा है और 22 तारीख से लगा है, मेरा लगा है, सैटरडे संडे 9 बजे दरबास देखिएगा, देश की शान, उसमें मैं और हर्ष परिणीति जी, मिथुन दा और करण सर जज हैं, और बहुत मज़ा आता है, और इतना हमको इतना मज़ा आता है ना, हम वैसे तो टेलीकास्ट अभी हुआ नहीं, लेकिन हम इतने सारे एपिसोड शूट कर चुके हैं, बट एक फैमिली बन चुके हैं। सर क्या बोलना चाहोगे, आज क्या कुछ होने वाला है स्पेशल? आज तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि मिथुन दा शायद पहली बार बिग बॉस में आ रहे हैं और हम साथ में हैं, तो हम बहुत मस्ती करने वाले हैं, क्योंकि मिथुन दा एक ऐसे जज है जो इतनी मस्ती करते, इतनी कॉमेडी करते हैं साथ में, तो उनके साथ बैंटर करने में, जोक्स करने में बहुत मज़ा आता है, और हम घर के अंदर भी जाने वाले हैं, सलमान सर के साथ भी बहुत सारी मस्ती करते हैं। घर को काफ़ी क्लोजली आप दोनों ने देखा है, क्या किसका गेम काफ़ी अच्छा लग रहा है, किसका गेम काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको? सच्ची बताएं, जब अंदर जाते तभी क्लोजली देखा है, बाहर नहीं देख पाते इतना, क्योंकि हम खुद शूट पे होते हैं, बट हाँ अभी जो मुझे लगता है कि जितने भी लोग बचे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, राखी को तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब पहले ही वो फाइनलिस्ट बन गई थी, शमिता, प्रतीक और तेजस्वी, समझ नहीं आ रहा कि कौन जीतेगा, कभी लगता है कि करण जीत जाएगा, कभी लगता है तेजा जीतेगी, कभी निशांत की ऐसी गेम पलट देता है निशांत की, ऐसा लगता है निशांत जीतना चाहिए, मेरे को प्रतीक लग रहा है कि प्रतीक को जीतना चाहिए, मेरे को अच्छा पर्सन ही बड़ा अच्छा लगता है, शरारती है ना, सबको उंगली करता रहता है, तो अच्छा एक आखिरी सवाल मैम, आज मैं आर्टिकल पढ़ रहा था ना, द काइंड ऑफ बेंचमार्क यू आर सेटिंग अप, आप काम करो, लगातार काम करो, सब माओ की दुआ है आपके साथ है, तो क्या फीलिंग हो रही है, इतनी ब्लेसिंग जब आपको मिल रही है? सच्ची कहूँ, आपने किसी ने ऐसा देखा कुछ नहीं ना, थकी हुई देखा मुझे? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं, मैं और मेरा बच्चा एकदम बिल्कुल सही है, और मोस्टली मैं 9 मंथ तक भी काम करती रहूँगी, क्योंकि काम करने से ना एक इतना मज़ा आता है, और आप किसी
कुछ भी भूल भी जाते हो कि आप प्रेग्नेंट हो, और इतना सेट पे चाहे बिग बॉस के हो चाहे हुनरबाज के चाहे कपिल शर्मा के, इतना पैम्पर करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं सब लोग, सब चीज़ों का क्रेडिट जाना चाहिए जो प्रोडक्शन हाउसेज है जो हमारे साथ काम करते हैं, वो इतना ध्यान रखते हैं। सच में मुझे नहीं पता था कि एक कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो इतना ध्यान रखते हैं, मतलब चार लोग साथ में होते हैं, नीचे तार ना हो, लेकिन ध्यान से टॉर्च जगाते हैं, बड़ा ध्यान रखते हैं। इतना मज़ा आ रहा है इसको कि आप होपफुली हर साल प्रेग्नेंट होंगे। बहुत वेली हूँ जो यही काम है, और ये शक्तिशाली है बहुत, कोशिश करेंगे कि बस ऐसे ही लोग ध्यान रखें हमारा। थैंक यू सो मच मैम, आज सॉन्ग आया है, टीजर आया, सलमान सर का टीजर आया, मैं चला सर के गाने का टीजर, बहुत कमाल है गुरु जी, हर बार की तरह इस बार भी सलमान सर का सुपर हिट होने वाला है, मैम आप बोलिए, मैम आपको कैसा लगा टीजर? मैंने अभी टीजर आते आते ही मैंने सोशल मीडिया पे देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, सलमान भाई के उड़ते हुए बाल, उन्होंने मतलब मिथुन दा को डिफरेंट लुक। थैंक यू गाइस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।